हेलो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट लेक्चर रिडीडिंग कमांड का है, इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे ब्रेक और ज्वाइन कमांड। ये भी हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिडीडिंग कमांड है। इन्हें रिडीडिंग कमांड है सारे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से आप इसको याद रखें, क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाते टाइम आप बहुत ज़्यादा काम में आता है, यूज में आता है। ज्वाइन टू ब्रेक कमांड ये आपको अरे जब आप यूज करेंगे अरे, और जब आप हैचिंग सेक्शन आगे जब ये से बताऊंगा मैं, इनमें इनके बिना नहीं हो सकता, इनमें आपको ये आने ही चाहिए। तो आज पढ़ते हैं ब्रेक और ज्वाइन कमांड। पहले पढ़ते हैं ब्रेक कमांड, ये चलिए ज्वाइन कमांड पर देखें। ज्वाइन कमांड क्या यूज आता है? ज्वाइन कमांड हमारे आता है कि देखिए ठीक है, जो ज्वाइन कमांड इसके लिए देखें एल एंटर कि हमने एक लाइन भेजी, ये लाइन हमारे पास देखिए। अब अगर कहीं सेलेक्ट करती है सिंगल सिलेक्शन हो रहा है, तो अब है कि हमें इसे जब ज्वाइंट कमांड जी एंटर ज्वाइंट करें एंड देन बोलता है कि आप इसको ज्वाइंट करना चाहते हैं, सारे सेलेक्ट कर दिया एंड एंटर। तो देखिए आप कहीं से भी थोड़े सारे सेलेक्ट करती है पूरी सेलेक्ट होगी, ये होता है ज्वाइंट कमांड। अब जैसे देखें दूसरे से जुड़ा होना चाहिए, ऐसे यूज आता है। अब देखिए इसके लिए जे एंटर पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना। अब आप कहीं से भी थोड़ा सा सेलेक्ट करेंगे ये पूरी सिलेक्शन होगी, ये होता है ज्वाइंट कमांड का यूज। अब देखिए आप ब्रेक कमांड, ब्रेक कमांड का यूज होता है कि जैसे आप मैं बताऊँ पेन का यूज करके आप इसको सेट कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ से पेन यूज कर सकते हैं। देखें एल एंटर, अब आपकी ये लाइन है, ये लाइन हमने तीन क्लिक करिए, तीन जगह से ब्रेक है ना। अब जैसे आप सिलेक्शन करेंगे तो अलग अलग होगा, इसका पूरी सिलेक्शन करके हमने जे एंटर करके इसको ज्वाइंट कर दिया। ये देखिए ज्वाइंट हो चुकी है, सिंपल एक लाइन है पूरी कंप्लीट। और उसको ब्रेक करना है, देखें वी आर एंटर ब्रेक के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया इस लाइन को, ठीक है। अब बोलता है कि सेकेंड पॉइंट आप सिलेक्ट, मैंने देखिए इनके बीच में देख कट वाली लाइन देना, वो मैंने बचपन यहाँ किया था, जहाँ से ब्रेक करनी यहाँ सेलेक्ट किया, ये ब्रेक हो जाता है। अभी जैसे देखें बी आर एंटर, फर्स्ट लाइन सेलेक्ट किया एंड सेकेंड, ये यहाँ से हमने फर्स्ट यहाँ से ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक का यूज होता है जैसे कभी ये आप ड्रिंग से अलग है, आप ड्रिंग में होता है कि आपको वो क्रॉस होनी चाहिए, और यहाँ से जैसे आप बीच से ब्रेक करना हो, ये मैंने एक कंप्लीट लाइन से बीच से ब्रेक किया, आप इसको सेलेक्ट करिए डिलीट भी नहीं कर देगी, पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। तो ब्रेक कमांड का यूज यहाँ पर होता है, अगर ब्रेक करना चाहे तो सिंपल था ये। चलो वो ये आपका एडिटिंग कमांड था। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट वीडियो, देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना।